हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एंड फॉर्मूले का यूज, और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 पे ही मैं बता रहा हूँ, हालांकि 16 वर्जन भी हमारे पास है। तो एंड फॉर्मूले को कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसमें हम सीखेंगे कि एंड फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं। ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक कीजिए, क्रिएट पर कर देना है क्लिक। तो ये क्रिएट पर क्लिक कर दिया हमने। अब यहाँ से हम एक डिजाइन व्यू पे लेंगे इसे, और इसे चाहे तो कोई नाम दे सकते हैं, जैसे मैं नाम दे देता हूँ एंड। ठीक है, ये एंड नाम दे दिया, आप चाहे तो जो भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आईडी आ रही है, ये प्राइमरी की है, मैं पिछले कई वीडियोस में बता चुका हूँ। और ये यहाँ पे ऑटो नंबर डेटा टाइप हमने रखा है, आप चाहे तो कुछ और भी रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सपोज कीजिए कि एक फील्ड है, फील्ड नेम, तो वो मैं कर देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने फर्स्ट नेम। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसका डेटा टाइप टेक्स्ट रखा है, तो फिर यहाँ लिखता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे लास्ट नेम ये लिख दिया, और यहाँ पर भी डेटा टाइप टेक्स्ट ही रखा है हमने। अब इन दोनों को यहाँ पर कराना है हमें कॉनकैटिनेट। ठीक है, यहाँ से व्यू पे क्लिक करता हूँ। यहां से यस करता हूं, तो ये इस तरीके से हमारे सामने आएगा। अब हमको क्रिएट पर चलना है। अगर आपने 2016 वर्जन इंस्टॉल किया होगा तो आप डायरेक्टली कैलकुलेटेड फील्ड का भी यूज कर सकते हैं। यहां से क्वेरी डिजाइन पे जाइए और यहां से ऐड करवा दीजिए, और इन सब फील्ड्स को हम ऐड करवाएंगे। यहां से पकड़ के ड्रैग करिए, यहां पर लेके आ जाइए। यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे अपना, एंड फॉर्मूला जो जिसकी बात हो रही थी उसे हम लगाएंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं एंड। ठीक है, हमने अब कोलन लगा लीजिए, यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए। ठीक है, पहले हमें फर्स्ट नेम को लेना है। एंड फॉर्मूला दो फील्ड्स को जोड़ने का काम करता है, तो यहां पे हमें लिखना है फर्स्ट, FIRST फर्स्ट नेम। तो ये पहले फर्स्ट नेम को ले लेगा, और फिर एंड फॉर्मूला अब यहां यूज कर रहा हूं। देखिए यहां पर अब फिर लास्ट नेम। ठीक है, ये फर्स्ट नेम लिया, फिर लास्ट नेम लिया। ठीक है, अब यहां पर इसको क्लोज कर दिया, और यहां से अब इसको रन करवा दिया। ठीक है, तो अब जो कुछ भी आप लिखेंगे वो एंड वाले फील्ड में ऐड होकर आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, यहां पर लिखता हूं मैं राम सिंह, तो यहां पर देख सकते हैं दोनों एक साथ ऐड होकर आ रहा है। ठीक है, फिर यहां पर लिखता हूं मैं रवि भाई, तो ये जब हम लिखेंगे तो बिना गैप के ही आएगा। ठीक है, चल यहां पे लिखता हूं, तो ये बिना गैप के आएगा। तो ये रहा एंड फॉर्मूला। तो एंड फॉर्मूला कुछ ऐसे ही काम करेगा। ठीक है, और क्या क्या यूज कर सकते हैं एंड फॉर्मूले से, ये तो एक हो गया। यहां से हम आ जाते हैं टेबल में, ये हमारा टेबल है, और यहां से डिजाइन व्यू पे आता हूं, और अब यहां पर क्या करता हूं मैं, यहां पर एक फील्ड ले लेता हूं नम वन, ये नम वन ले लिया हमने, और यहां पर ले लूंगा नम टू। ठीक है, तो ये ले लिया हमने नम टू। ठीक है, अब इन दोनों का जो डेटा टाइप है वो चेंज कर लूंगा, इसे मैं कर लेता हूं नंबर डेटा टाइप। ठीक है, इसे भी नंबर डेटा टाइप बना लेता हूं, और अब यहां पे क्लिक करता हूं, ये इस तरह से आएगा। अब यहां पहला नंबर, यहां दूसरा नंबर आएगा। ठीक है, तो चलिए यहां पर कोई नंबर हम देंगे अभी, इससे भी पहले हम चलते हैं क्वेरी में। ये क्वेरी है हमारी, और ये क्वेरी कुछ इस तरह से आई हुई है, आप देख सकते हैं। इसे डिजाइन व्यू पे वापस से लेता हूं मैं, और यहां पर सब फील्ड्स को हमें ऐड कर रहा था, लेकिन अभी इसको करता हूं मैं क्लोज, यहां से इसको क्लोज कर देता हूं, ये क्लोज कर दिया हमने। अब फिर एक क्वेरी हम दोबारा से बनाएंगे, तो ये क्वेरी डिजाइन में हमें जाना है, और यहां से इसको ऐड करवा देना है। अब ये सारे फील्ड्स को ऐसे पकड़िए, ड्रैग करते हुए यहां लेके आ जाइए, ये सब फील्ड्स ऐड हो जाएंगे। अब हम ये चाहते हैं कि हम नंबर्स को भी ऐड करें एक साथ, तो यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर वही एंड फंक्शन का आपको यूज करना है। ठीक है, इन सबको हम एक साथ ऐड कर पाएंगे। देखिए कैसे करेंगे, ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया हमने, यहां लिखा हमने फर्स्ट नेम, ओके, फिर यहां पर एंड सिंबल लगाया हमने, और फिर यहां पर लिखेंगे लास्ट नेम। ये यहां से पहले से रिसाइज कर लेता हूं ताकि देखने में दिक्कत ना हो, और एक काम और करता हूं, इसे मैं जूम व्यू पे ले लेता हूं। तो अब आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम ले लिया हमने, अब यहां पे लेंगे हम लास्ट नेम। ठीक है, तो यहां लिखता हूं मैं लास्ट नेम, वही चीज जो हमने पहले बताई है अभी आपको,
और फिर यहां पर एंड लगाता हूं। अब देखिए इसमें हम और भी चीजें ऐड कर रहे हैं, जैसे नम वन ऐड कर रहे हैं, तो यहां पर मैं करता हूं नम वन, ठीक है। इसको लेकर के और भी वीडियोस मैं बना चुका हूं पहले भी, और फिर यहां पर एंड करता हूं, यहां पर करता हूं नम टू, इन दोनों को हमने ले लिया है। अच्छा, अगर आप चाहते हैं बीच में गैप लेना या गैप देना, तो आपको क्या करना होगा, यहां पर कुछ इस तरह से ये रखना होगा, ठीक है। अब देख, ठीक है, ये एंड लगा लिया हमने, और अब यहां से इस पर रन पे क्लिक करना है। तो ये देखिए यहां पर नम वन नम टू में अगर हम कुछ देते हैं, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 45 और यहां पर दे दिया हमने 67, ठीक है, तो ये दोनों भी इसमें कॉन्कैटिनेट होकर आएगा। ये देखिए मैं आपको फिर से दिखा देता हूं, कॉन्कैटिनेट करने के लिए ही एंड का फॉर्मूला इसमें यूज होता है। ये देखिए यहां पर ये इस तरह से आया है। अगर आप चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में, जैसे राम और सिंह के बीच में गैप है, इन दोनों के भी बीच में गैप आए, तो आप एंड से करके गैप लगा सकते हैं। ये देखिए यहां पर आपको क्या करना है, इसको पहले मैं जूम व्यू पे ले लेता हूं, यहां पर आपको करना है गैप देना है, ठीक है। तो एंड सिंबल पहले ही लगा चुके हैं हम, यहां पर गैप देते हैं, ये गैप दे दिया हमने, ये हो गया गैप, ठीक है। और अब इसे एंड से फिर से एक बार जोड़ देते हैं, तो ये जोड़ दिया हमने, ओके प्रेस किया, यहां से रन पर क्लिक किया। तो जैसे ही रन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए बीच में गैप क्रिएट होकर आया। इसी तरह से यहां पर कोई नंबर लिखिए आप, ठीक है, और यहां पर लिखिए, तो ये भी इसके भी बीच में ये गैप जो है क्रिएट होकर आएगा, ठीक है। आप चाहते हैं इन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाए जो यहां नंबर लिखे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको कहां जाना होगा, डिजाइन व्यू पे आना होगा और यहां से सेटिंग कर लेनी होगी आपको, ठीक है। तो इसे फिर एक बार जूम व्यू पे ले लेता हूं, और अब सेटिंग हम कर लेते हैं इसमें, नम वन और नम टू के बीच में भी गैप देना चाहते हैं हम, तो यहां पर एंड सिंबल लगा लेंगे हम और यहां पर गैप दे देंगे, बस आपको इतना ही करना है, ओके प्रेस करना है यहां से और रन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इन दोनों के भी बीच में गैप क्रिएट होकर आ चुका है। तो उम्मीद करता हूं ये एंड फॉर्मूला समझ में आया होगा आपको। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।